तो 25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी इसकी अलग धूम होती है। हम इस वक्त कैथेड्रल चर्च पे हैं, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि वृहद स्तर पर इसका कार्यक्रम मनाया जाता है। तमाम लोग यहां पर मौजूद रहते हैं, उस दिन भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ चर्च के फादर हैं, उनसे बात करेंगे। और सर, देखा जाए तो 25 दिसंबर को पूरा विश्व क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाता है, लखनऊ में भी एक अलग धूम होती है, इस बार क्या प्रिपरेशन है यहाँ के चर्च की? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस, या हिंदी में कहते हैं बड़ा दिन, हम ईसाई समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और बहुत खुशी से धूमधाम से हम मनाते हैं हर साल। परंतु कोरोना की वजह से पिछले साल और इस साल बहुत नियंत्रित रूप से हम मना रहे हैं, सिर्फ धर्म पूजन विधि के बारे में सोच रहे हैं। जो चर्च में सिर्फ पास दिए हैं हमने, पासेस जो नियंत्रित रूप से हम लोगों को आने देंगे, और 25 को वैसे हर साल हज़ारों लोग इधर झांकियाँ और क्रिब और डेकोरेशन लाइटिंग देखने आते हैं। इसके लिए हमने शासन को लिखा है कि हम ये हमारी मदद करें लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए, और हम यह इंसिस्ट करते हैं कि सब लोग मास्क के साथ ही अंदर आएँ। ये सब तो सर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपने पत्र लिखा, किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको? हमने पिछले साल बहुत अच्छे से मैनेज किया था, और हम लोगों ने शासन से कहा था हर एक बार और एक 10 मिनट में 500 लोगों का अंदर आने दीजिए, उसके बाद पीछे के गेट से वो जाएंगे तो और एक 500 आ सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। तो यह हुआ कि 500 के बदले 5000 आने लगे। तब हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि क्या करें हम, तो कोई पुलिस अधिकारी हमसे कहने लगे, फादर जी ये तो लोगों की आस्था है, ईश्वर बचाएगा। और ईश्वर ने बचाया, 80,000 लोग आए थे सुबह से शाम तक। उसके बाद क्रिसमस के बाद एक बार भी कोई किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई पेपर में कुछ नहीं है, सब शांति से हमने ये पर्व मनाया। हम आशा करते हैं इस साल भी ईश्वर के हमारे साथ रहेगा और बड़े खुशी के साथ शांति के साथ हम क्रिसमस मनाएंगे। बिल्कुल, तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर भी तमाम जो केसेस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है कि तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन को न्योता ना मिले, क्या तैयारियाँ रहेंगी आप लोग इस बार? हम लोगों ने अगर शासन लास्ट मोमेंट में मना करेगा कि हम चर्च में आकर मनाएं, तो हम ऑनलाइन में करते हैं, जैसे हमने किया था जब कंप्लीट लॉकडाउन था। सौर हर इतवार को लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ में भाग लेते थे। ये हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान घर से, प्रार्थना घर से भी कर सकते हैं, परंतु हमको सामूहिक रूप से प्रार्थना करने का मौका मिलता है क्रिसमस में। अगर शासन और गवर्नमेंट कहता है कि ये संभव नहीं है, तो हम पूर्ण रूप से गवर्नमेंट नियमों का पालन करेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 25 तारीख को क्रिसमस है, इस बार किस तरीके की प्रार्थना रहेगी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जिस दिन प्रभु ईसा मसीह बेतलहम नगरी पैलेस्टीन में यरूशलेम के पास पैदा हुए थे, तब स्वर्गदूतों के झुंड आकर उन्होंने घोषण किया था, आज आपके आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता शांति का दूत का जन्म हुआ है। और उसी स्वर्गदूत के झुंड ने यह गाना सुनाया, स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो और इस संसार में उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। यही हमारे क्रिसमस के लिए सब लोगों के लिए प्रार्थना है। हैप्पी क्रिसमस, बड़े दिन की सब लोगों को शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कैथेड्रल चलकर नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि हर तरफ लाइट लगा ली गई है, और अगर देखा जाए तो इस पर्व को महापर्व बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात करें ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के मद्देनज़र भी तमाम तरीके की गाइडलाइन जो है उनको पालन करने की बात कही जा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये हुई कि आखिर जब क्रिसमस की धूम होगी उस वक्त ओमिक्रॉन का किस तरीके से काम होता है, और आखिरकार जो क्रिसमस की धूम है वो राजधानी लखनऊ वासी किस तरीके से मनाते हैं। वीडियोस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।